अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ जो अल्सर का इलाज है वो लेकर आया हूँ, यानी पेप्टिक अल्सर का। ऐसे लोग जिनका खाना खाते साथ ही दिल खराब होना शुरू हो जाता है, वॉमिट होना शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती, तो उनके बेसिकली मुर्गन गज़ाएँ खा खा के, मिर्च मसाले खा खा के जो उनके मेदे के अंदर सुराख हो जाता है, कोई ज़ख़म हो जाता है, आंतों के अंदर भी ज़ख़म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉमिट फील होती है, दिल ख़राब होता है और खाना सामने पड़ा हो तो उल्टी आ रही होती है, अगर खा भी लें तो सारा खाना बाहर निकल आता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है, बाद में ये कैंसर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, एक नसूर होता है ये पूरा। तो उसका इलाज मैं आप लोग के लिए लेकर आया, बहुत सिंपल है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा अपने इसे कैसे यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्सर है, आपका ज़ख्म बहुत बड़ा है, तो आपने कह लेना है आपने 4 टेबल स्पून के करीब आपने एलोवेरा जेल निकालना है। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, 1 चम्मच के हिसाब से बताऊंगा मैं, और आपको चाहिए प्योर खालिस हनी। ये मैं आफ्ताब कृषि का यूज़ कर रहा हूँ, हम अरबाब का भी यूज़ कर सकते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं वो अपना इलाकाई जो है जो अच्छा ब्रांड का है शहद जिनके ऊपर उन्हें इतमाद है वो यूज़ कर सकते हैं, डाबर का कर लें या किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें, अमूल का यूज़ कर लें। तो हमने 110% जो है खालिस लेना है, खालिस होगा तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। तो एलोवेरा जो है इसके अंदर हाई भी जो है जो ज़ख्मों को मंदमिल जो इंटरनल ज़ख्म होते हैं, ब्लीडिंग होती है कहीं भी आंतों के अंदर, कहीं भी ब्लीडिंग है आपकी या मेदे के अंदर कहीं भी ब्लीडिंग है, तो एंटीसेप्टिक है ये, उस ज़ख्म को भरने का काम करता है, और शहद भी ज़ख्मों को ठीक करता है, ये भी हाईली एंटीसेप्टिक है। और फिर आपने इसे सुबह खाने में 2 टेबल स्पून यूज़ करना है, और फिर रात का जब खाना खाना है उससे पहले आपने 2 टेबल स्पून यूज़ करना है, और इस दौरान आपने मिर्च मसाले और जो मुर्गन गज़ाएँ हैं तेल वाली चीज़ें नहीं खानी। तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको 1 टेबल स्पून के हिसाब से एक डेमो करके बता देता हूँ आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून के लिए हनी लेंगे, मैं आपको 1 टेबल स्पून के हिसाब से बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने इसे तैयार कर लेना है, बहुत इजी मेथड है। अगर आपको बनी बने एलोवेरा जेल मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूँगा, आप ये फ्रेश लगे होते हैं काफ़ी घरों में लगे होते हैं, तो आप फ्रेश ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका आपने जेल निकालना है इस तरह, फ्रेश जेल आपने निकालना है इसका इस तरह, चम्मच के साथ हल्का हल्का आपने इस तरह ले लेना है 1 टेबल स्पून के करीब। ये तकरीबन मैंने जो छीला है ये 1 टेबल स्पून के करीब है। चलो दोस्तों ये हो गया, इसके बाद आपने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके के साथ। तो ये हमारी जो है अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर वगैरह की जो मेदे आंतों के अंदर कहीं भी ज़ख्म है उसकी दवा तैयार है। आपने इसे खाना खाने से पहले खा लेना है, और साथ आप थोड़ा सा पानी पी लें, नीम गर्म पानी पी लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ी कड़वाहट होती है इसके अंदर, शहद जो है इसमें थोड़ा स्वीटनेस पैदा कर देता है, और जो इसका कमाल होगा अब ये होगा, कहीं भी आपके इंटरनल ब्लीडिंग है, ज़ख़म है, मैदे के अंदर ज़ख़म है, तो आपका इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर नॉर्मल आपको अल्सर है, इतनी ज़्यादा आपकी तबीयत नहीं ख़राब, तो आप 2 टाइम इसे यूज़ कर लें, सुबह और शाम में 1 टेबल स्पून के हिसाब से। अगर आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आपने 2 टेबल स्पून के करीब यूज़ कर लेना है, सुबह और शाम में यूज़ कर लें, और अगर आप इसे ज़्यादा नहीं खा सकते तो आपने 1 टेबल स्पून के हिसाब से सुबह दोपहर शाम यूज़ कर लेना है। और चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो अल्सर का नुस्खा है, पेप्टिक का अल्सर का नुस्खा है, पसंद आया होगा, ये 100% जो है आजमूदा इलाज है। तो मुझे भी पर्सनली प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इसे यूज़ किया, तो दोस्तों मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही फ़र्क पड़ गया था, और मैं आप लोगों के लिए और भी रेमेडीज लेकर आऊँगा अल्सर के हवाले से। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और अगर कोई आपके इलाके में अल्सर का मरीज़ है, पेप्टिक अल्सर का या तजाबियत का या किसी भी किस्म का कोई मसला है उसे मैदे का, तो उसे ये आप बताइएगा, क्योंकि अल्सर का जब आप बाहर से इलाज करवाते काफ़ी महंगा पड़ता है, तो ये
110% जो है आजमूदा और अप्रूव्ड जो है नुस्खा है, तो आपने इसे ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। शेयर करना मुझे इजाज़त दे। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।